मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर लाठी और डंडों से पीटा गया। ऐसा सलूक तो किसी सामान्य अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता। ये बयान पड़ोसी मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 11 मई को उस वक्त दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए। लेकिन जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अर्जी पर सुनवाई चल रही थी, तो वहीं उसी वक्त दूसरी तरफ पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी दे दी। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल गुरुवार शाम को मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल रहा है, कल को अगर जजों के घरों में कोई घुसकर शख्स आग लगा जाएगा तो। उन्होंने धमकी देते हुए ये भी कहा कि आप करें फैसला, किसी का घर नहीं बचेगा। सुनिए मरियम औरंगजेब ने क्या कहा। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घजेगा। वहीं इमरान की रिहाई होने के बाद उन्होंने शाहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान ने कहा, अगर कोई मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो मुझे वारंट दिया जाए। कभी वे मुझे पुलिस लाइन ले गए और कभी कहीं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अपराध क्या है। चुनाव चाहने वाली पार्टी देश में ऐसी अराजकता कैसे चाह सकती है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB और पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में जमकर बवाल हुआ। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में बड़ी तादाद में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। इमरान के समर्थकों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने सेना को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सैन्य प्रतिष्ठानों, उनके कार्यालयों और घरों पर हमले करने शुरू कर दिए। बता दें कि इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इस याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश संविधान अनुच्छेद 10A के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला विरोधाभासों से भरा है। SC में लगाई गई याचिका में कहा गया, NAB के चेयरमैन द्वारा जारी किया गया वारंट अवैध है, जिसके बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया। अब देखना होगा कि पड़ोसी मुल्क में और क्या नया देखने को मिलता है। न्यूज़ टैक ब्यूरो।